आपने गाना गाया फिल्म में स्क्रैच के तौर पे जी हाँ जो बाद में वो गाना चला गया शोल्डर पे, और ये गाना आपने बाद में कई जगह स्टेज पर और जगह पे भी आपने गाया, तो इस गाने से आपको इतना प्यार क्यों हो गया? इस गाने से आपको ऐसा क्या लगा हुआ जो आपने इसको फिर छोड़ा ही नहीं, इसके साथ इसे बहुत अपने साथ रखा काफी दिन तक? देखिए अभी ये जो आप बोल रहे, देखिए अच्छी चीज़ जो है, हम जब भी शो करते हैं, हमारे बहुत से गाने हैं जैसे हंसता नूरानी चेहरा, हम जब जाते हैं हर एक शो में होता है ऐसे, बहुत दिनों के बाद एक नया गाना मिला हमको, और आपको मानो जब ओम शांति ओम ने किया तो कोई हरे राम हरे कृष्ण कह रहे, तो कोई किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, बहुत लोगों ने किया अलग अलग टाइप से, लेकिन ओम शांति ओम गाना जो है मुझे खासकर मुझे क्यों ज़्यादा पसंद है कि उसमें एक फ्लेवर है जो वर्ड्स का, और ट्यून मॉडर्न ट्यून होते हुए ओम शांति ओम को किस ढंग से लाया कि ओम, हमने ये नहीं किया ओम शांति, क्योंकि जो हमको पिक्चर में लाना था वो ऐसा लाना था कि भाई एक मॉडर्न सिंगर है वो गा रहा है, और ओम शांति ओम तो एक बहुत न्यू थॉट है, तो वो समझे बख्शी जी, हम लोग ने बैठ के जब हुआ तो डेफिनेटली मतलब बात हुई तो सब ने कहा, जैसे अपना सुभाष जी सब ने कि भाई करेक्ट है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको आप इम्प्रूव कीजिए, तो फिर ओम शांति ओम लेके हमने मेरे उम्र के नौजवानों जब से उसको हमने, अगर आप देखें तो मेरे ओम शांति ओम और मेरे उम्र के नौजवानों कुछ लिंक ही नहीं होता, लेकिन बोलते हैं चलती का नाम गाड़ी, अगर गाना चल गया तो वो चीज़ को कोई पूछता नहीं है, लेकिन इतना है कि वो उसको कैसे लपेट के बख्शी साहब ने लाया, दिल न लगाना हो जवान हो, फिर उसका मैं ओम शांति हो, तो ओम शांति हो ऐसा हो गया कि भाई बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा सर, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गजल बिल्कुल, और इसमें आपने कुछ वेस्टर्न सा कुछ कुछ नया सा टच दिया गजल वाला फॉर्मेट पे आपने, बिल्कुल, तो इसके पीछे क्या वजह है? कुछ वजह नहीं है, क्योंकि वो जो लड़का है वो मॉडर्न है, और हमको ऐसा लगा कि भाई गज़ल टाइप का गाना, और मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे पास में हैं, समझिए आप, और हमने ऐसा भी नहीं किया कि देखिए हम जब म्यूज़िक करते हैं बहुत अंदर तक उसके झांकते हैं, और बहुत अंदर मतलब हमारी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत डीप बात करते हैं, अभी ये दर्द दिल को हम लोग बहुत तारे हरकत डाल सकते थे, लेकिन हमको उसको यूज़ करना था गज़ल भी लगे और मॉडर्न रिदम पे जाए, तो हमने क्या किया सिंगिंग में दर्द दिल दर्द जिगर दिल में दर्द जगाया आपने, मतलब बहुत ज़्यादा हरकत भी नहीं है लेकिन गजल नुमा उसका एक अंदाज है, मैं फिर गा आप समझे ना कि जैसे दर्द अभी दर्द दिल कर सकते हैं लेकिन नहीं किया, क्योंकि मॉडर्न भी लगे और उसके अंदर आपको मतलब गज़ल का एक वो मिले कि भाई दर्द दे दर्द, आप समझे ना, तो ये चीज़ है इसके अंदर। अच्छा सर, एक गाना आया आपका मैं 16 बरस की, तो इस गाने में जितना पॉपुलर गाना हुआ उतनी पॉपुलर इसके इंस्ट्रूमेंटल पार्ट भी हुआ जी, म्यूजिक वाले पार्ट जो बीच के इंस्ट्रूमेंटल थे वो भी बहुत पॉपुलर, ऐसा क्या इसमें आपने यूज़ किया जो ये भी इतना पॉपुलर हुआ? मुझे नहीं, अभी आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि जो चाहिए, क्योंकि उसका मेन चांद था 16 बरस की 17 बरस का ये था, और उसको कौन गा रहे हैं, लता जी और किशोर कुमार जो बहुत कम गाते हैं, और पिक्चर के अंदर ऋषि कपूर और नई लड़की, आप समझे ना, बाद में उनका नाम हो गया तो सब है, लेकिन उस टाइम पे वो बिल्कुल फ्रेश, तो वो 16 बरस 17 बरस का, और उसके अंदर फिर क्या होता है ना कि जैसे हमको शौक़ है कि भाई नए नए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना, तो गिटार्स है, हवन गिटार हमने यूज़ किया है, तो वो उसका हमने एक थीम पीस जैसा बनाया था, डा 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 ऐसा बनाया था, तो वो एक चीज़ जाता, और जैसे आप मैं बता आपको ना कि सुभाष जी के साथ भी हमको एक था कि फ्रीडम बहुत था, वो कभी ये नहीं करते थे कि भाई नहीं यार ये कोई भी नई चीज़ आप उनको दिखाइए, नई चीज़ कीजिए, तो वो हिस्स दे। और आप तो ये जो फिल्म से आपको जुड़ा हुआ क्या उनके क्या इनपुट रहे इस फिल्म से जो हमें
नहीं देखिए क्या होता है ना, सब्जेक्ट पर होता है। पहली पिक्चर उन्होंने की थी उसमें राजेश रोशन थे, ठीक है, जो बिल्कुल पहली पिक्चर की थी। उसके अंदर म्यूजिक भी अच्छा था, क्योंकि सुभाष एक्चुअल में होता अपन को शौक है सुभाष जी को। उसके बाद कलेजे मैंने एक दो पिक्चरें की उनके साथ, उसका भी म्यूजिक बहुत अच्छा था। अभी हमारे साथ में क्या है कि हमने भी दो तीन पिक्चर की थी, वो पिक्चर थी उसका नाम था अपना क्रोधी, उसमें धर्मेंद्र जी, शशि कपूर, और बड़ी कास्टिंग थी उसमें, और उसका भी म्यूज़िक बहुत अच्छा था। उसमें एक गाना हमने किया था, उसमें हमने अबाउट 150 के परमिशन यूज़ किया था।